नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनते ही अचानक आंखों के आगे इंडिया का मैप और उस मैप में सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नजर आने लगता है। दिल उस सूरज की लालिमा को देखने लगता है जिसकी किरण देश में सबसे पहले यहां पर पड़ती है और वो अद्भुत और खूबसूरत नजारे दिखने लगते हैं जिसको देख कर कोई भी कहेगा वाह अरुणाचल प्रदेश वाह। बर्फ, हरियाली, पहाड़, झड़ने सब है यहाँ पर, लेकिन जब अरुणाचल का नाम सुनकर वहां की पहाड़ें आपके नजरों के सामने आती हैं, तब आपके किसी भी ख्वाब में उन पहाड़ों पर फरारी या फिर लॉम्बोर्गिनी आता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे क्या अरुणाचल के सीएम तक के नजरों में सिर्फ नेचुरल नजारे आते हैं। इसीलिए तो जब दुनिया पहली बार दुनिया की सुपर कार्स ने अरुणाचल की मिट्टी को छुआ तो खुद सीएम साहब भी दीवाने हो गए। फरारी से पोर्शे, ऑडी, ऑस्टन मार्टिन और लैम्बोर्गिनी तक पासीघाट में पार्क दिखी तो उसकी झलक ही लोगों को दीवाना बना गई। किसी बड़े शहर के लिए ये सुपरकार्स कोई देखने वाली अनोखी चीज नहीं होती, पर अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ों पर ये एक रेयर पिक्चर की तरह थी। बट एयरपोर्ट के बाहर तो ठीक है, पर ये पहाड़ों के बीच रास्तों पर कैसे चलेंगी और सुपरकार पहाड़ी रास्तों पर कितनी स्पीड पर चल सकती हैं? ऐसा कोई डाउट अगर आपके मन में है तो ये थ्रिलिंग वीडियो देख लीजिए, शायद आपकी सांसें भी धूम धूम करने लगे। अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के नए रास्ते दिखा रहा है और इसको देखकर सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक इवेंट के लिए आई ये लग्जरियस सुपरकार कह रही है कि उगते हुए सूरज का राज्य पहाड़ों पर दौड़ती फर्राटा कारों के लिए भी बना हुआ है। देखिए इस रोमांच को। तस्वीरें बार बार नहीं दिखती, हाँ खूबसूरती स्टैटिक है। आप कभी भी अरुणाचल प्रदेश जाइए, वो आपका मन मोह लेगा। जब मौका मिले जाइएगा जरूर। नमस्कार।